हेलो यूट्यूब, आज आपके लिए जो ये वीडियो लाए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जो हम अभी कंटेंट आपको देने जा रहे हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है। और ये अगर आप अभी सोच रहे हैं कि गाड़ी लेना चाहिए आपको, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि भारत स्टेज 6 जाने वाला है, BS6 नॉर्म आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2020 April 1st को। अभी जो है गाड़ियाँ उसमें से 90-95% गाड़ियाँ BS4 कंप्लायंट है। अभी जब अप्रैल आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 उसमें BS6 आने वाला है 1 अप्रैल को। तो BS6 में दोस्तों क्या होगा, जो गाड़ियां हैं हमारी वो पोल्यूशन कम करेगी, नॉइस उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब अभी की जो गाड़ियां चल रही है, जो प्रिवेलिंग करंट गाड़ियां चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक कार ले लिए, स्विफ्ट ले लिए, तो स्विफ्ट में जो इंजन आता है अभी आता है वो BS4। उस इंजन को BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए कंपनी को खर्चा लगता है, वो खर्चा मामूली नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और स्पेशली डीजल इंजन में, क्योंकि डीजल इंजन में हार्डवेयर बहुत सारा चेंज करना पड़ता है, डीजल इंजन क्लैटर बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सब चीज़ों के कारण बहुत ही ज़्यादा महंगा एक डील हो जाती है कंपनीज़ के लिए। तो जो इंडियन मार्केट में जो कंपनीज़ हैं उनमें से कुछ कंपनीज़ अपनी कुछ गाड़ियाँ BS6 में बंद कर देगी, मतलब April 1st के बाद आपको वो गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन अभी से बंद है। और जितनी गाड़ियाँ स्टॉक में है सिर्फ उतनी ही आप खरीद सकते हैं। आप चाहेंगे उसके बाद जाके कि मेरे को वो गाड़ी चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं, वो रेनॉल्ट डस्टर का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है। रेनॉल्ट डस्टर जो कार है, इंडिया में सबसे पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी वही थी, मतलब 4 मीटर से ज़्यादा मिड साइज एसयूवी, कॉम्पैक्ट नहीं कहना चाहिए, रादर 6 मिड साइज एसयूवी फर्स्ट थी इंडिया में वो। और जब वो लॉन्च हुई उस समय उसका डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई राइवल नहीं था, वही उसका रीज़न है सक्सेस का। और वो कार की खासियतें कुछ दोस्तों ऐसी है कि इंजन है, इंजन काफ़ी पेपी रहता है और माइलेज भी इंजन का बहुत अच्छा है। और इंडिया की जो कंडीशंस है, रफ रोड्स और जो क्लाइमेट है, उस हिसाब से वो काफ़ी रगेड और एकदम टफ व्हीकल है। उस व्हीकल में क्या दिक्कत है दोस्तों, दिक्कत उसमें सिर्फ ये है कि जो उसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है उसमें जो इंजन यूज़ होता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 110 PS की पावर आता है, जो हायर ट्यून वाला 6 गियर ट्रांसमिशन वाला, वो इंजन रेनॉल्ट आगे बंद कर देगा, BS6 को उसको कंप्लायंट नहीं बनाएगा वो वाले इंजन को। तो जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है डस्टर का वो आपको नहीं मिलेगा पोस्ट अप्रैल 2020। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मैं ऑल व्हील डस्टर लूँगा, ऑल व्हील ड्राइव नया BS6 आने के बाद, तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। अब आपको रीजंस बता दूँ कि आपको वो गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो जो प्राइस ब्रैकेट में आती है अभी, उसमें रेनॉल्ट डस्टर में जो वेरिएंट्स आते हैं RXL सबसे नीचे, उसके ऊपर RXS, उसके ऊपर RXZ टॉप वेरिएंट। अभी ऑल व्हील ड्राइव पहले क्या होता था, फेसलिफ्ट के पहले सिर्फ टॉप वेरिएंट में आप ले सकते थे ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन अब जब फेसलिफ्ट आ चुका है तो जो RXS ट्रिम है, मिडिल वाली ट्रिम, उसमें भी आप ऑल व्हील ड्राइव के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ऑल व्हील ड्राइव ले सकते हैं। तो वो जो प्राइस ब्रैकेट में कार आती है उस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही ज़्यादा केपेबल ऑफ रोडर है, सॉफ्ट रोडर तो है ही पर ऑफ रोडिंग भी उसकी बहुत केपेबल है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन की। उसमें जो सिस्टम यूज़ होता है वो हेल्डेक्स, HALDEX, हेल्डेक्स एक कंपनी है, वो ऑफ रोड के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो ट्यूनिंग सिस्टम्स रहते हैं वो बनाती है। उस कंपनी का जो ECU है वो है ऑल व्हील ड्राइव डस्टर में, जो डस्टर को बहुत ही ज़्यादा केपेबल बना देता है अपने प्राइस ब्रैकेट में। तो आप एक बार सोचिए कि आप जब मार्केट में जाएंगे और आपका बजट रहेगा 12-14 लाख, तो उसमें आपको इतनी केपेबल गाड़ी 4x4 नहीं मिलेगी। डस्टर एकदम इजी टू ड्राइव है, लाइट स्टेयरिंग व्हील है, और डस्टर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन उस प्राइस ब्रैकेट में कोई और गाड़ी नहीं देती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का मतलब ये है कि कैसा भी रास्ता हो, चाहे एकदम स्मूथ टारमैक रोड हो या फिर एकदम उबड़ खाबड़ बेकार रास्ता, लेकिन राइड क्वालिटी एकदम ज़ोरदार रहती है, क्योंकि उसके चारों व्हील्स में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। और उसका ऑल व्हील ड्राइव, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत केपेबल है। तो जो आपका प्राइस रेंज रहेगा 12-14 लाख, उसमें आप रेनॉल्ट डस्टर ऑल व्हील ड्राइव का RXS वेरिएंट ले सकते हैं, जो BS6 में नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरी जो गाड़ी है वो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट S वेरिएंट। S वेरिएंट में दोस्तों जो इंजन आता है वो है टर्बो पेट्रोल 1 लीटर इंजन, जिसको फोर्ड एको बूस्ट बोलता है। तो जो रेगुलर आप जो पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं इकोस्पोर्ट का, कोई भी वेरिएंट हो, एम्बियंटे हो, ट्रेंड हो या टाइटेनियम हो, उसमें 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। पर जो S वेरिएंट है, टाइटेनियम S,
वो टॉप मॉडल के ऊपर एक आता है टाइटेनियम प्लस जो मॉडल है ना, लगभग उसकी कैटेगरी के प्राइस रेंज में आता है टाइटेनियम एस। उसमें जो इंजन आता है वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और अपनी जो क्लास है उसकी कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। टर्बोज में देखा जाए तो उसका जो इंजन है वो 125 का मैक्स हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 175 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंडिया में टर्बो पेट्रोल इंजन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे इंडियन मार्केट में कितनी भी गाड़ियां हैं जो भी सेगमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेने जाएं तो। एक आता है बलेनो आरएस में टर्बो पेट्रोल 1 लीटर इंजन, वो क्लोज टू 100 हॉर्स पावर बनाता है जो कि इकोस्पोर्ट से 25 हॉर्स पावर कम है। कोई और आप जैसे गाड़ी देखेंगे, कोई भी टर्बो की गाड़ी टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आपको इकोस्पोर्ट जैसा परफॉर्मेंस कोई नहीं देगा। अब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मोटर है और वो 1 लीटर का 1 लीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ये भी ध्यान रखिए कि कोई दूसरी जो गाड़ियाँ हैं जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल बनाती है उसका पावर इकोस्पोर्ट के एकोबूस्ट इंजन से बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे जो इंजन्स हैं वो 1 लीटर की ज़्यादा कैपेसिटी वाले होंगे, 1.4 वाला होगा, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल बहुत सारी गाड़ियों में आता है, जैसे किया में हो गया, ऐसे बहुत सारी गाड़ियों में आता है। तो जो ये एस वेरिएंट है, एक तो फोर्ड इकोस्पोर्ट जानी जाती है अपनी स्पोर्टी राइड एंड हैंडलिंग, जो उसके ड्राइविंग डायनामिक्स है उससे जानी जाती है, वो काफ़ी स्पोर्टी हैंडल करती है कार, बॉडी रोल उसमें बहुत ज़्यादा वेल कंटेंड है और उसका परफॉर्मेंस जो उसका एक्सेलरेशन पिकअप जो कॉर्नरिंग है, आपको लगेगा नहीं कि आप एक एसयूवी चला रहे हैं, आपको लगेगा एक हैचबैक या सेडान चला रहे हैं। और जो टाइटेनियम एस वेरिएंट है उसमें जो व्हील्स आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे उसमें मॉडल के साथ, उसमें लो प्रोफाइल टायर आता है। इकोस्पोर्ट के जितने भी वेरिएंट्स हैं जो भी आपके पास ट्रिम है रेंज है ऑप्शंस उसमें सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल टायर आपको सिर्फ और सिर्फ एस वेरिएंट में आएगा। तीसरी गाड़ी जो मैं बता रहा हूँ वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा का डीजल वाला वेरिएंट। डीजल के जितनी भी ट्रिम्स हैं मारुति सुजुकी इंडिया में अपनी डीजल इंजन्स बंद करने वाला है। इसका मतलब ये है कि पोस्ट 1 अप्रैल 2020 BS6 जब आ जाएगा तो आपको मारुति के कोई भी डीजल गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उसको आप कम मिस करोगे क्योंकि उसके पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, पर जो अर्टिगा है, अर्टिगा का जो डीजल वाला मॉडल है, अर्टिगा के डीजल वाले वेरिएंट में जो इंजन आता है 1.5 लीटर, वो मारुति सुजुकी का खुद का इनहाउस डेवलप्ड इंजन है जो सियाज डीजल में भी आता है। सियाज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पर अर्टिगा जैसी गाड़ी में, क्योंकि वो एक एमपीवी है, एमपीवी ओनर्स क्या चाहते हैं कि उनका एक जो उनकी गाड़ी हो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, रनिंग कॉस्ट लो हो, माइलेज भी ज़्यादा हो, तो वो जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है मारुति का वो बहुत ज़्यादा केपेबल इंजन है जो कि मारुति अर्टिगा में से हटा देगा क्योंकि उसको BS6 कंप्लायंट बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो बहुत ज़्यादा है, वो मारुति उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कवर होगा, इसलिए वो डीजल उसमें से हटा देगा। आप अगर चाहेंगे कि मैं एक गाड़ी लूँ तो MPV अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल यही चाहेंगे कि आपकी MPV ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाले और परफॉर्मेंस उसका एडिक्वेट हो, रिफाइंड मोटर हो, वो सिर्फ और सिर्फ अर्टिगा का डीजल वाला इंजन है वो ऑफर करता है। पेट्रोल इंजन भी काफ़ी अच्छा है लेकिन पेट्रोल इंजन की वैसी एफिशिएंसी नहीं है जैसी डीजल की है। जो अर्टिगा डीजल है हमने उसका एक माइलेज टेस्ट किया था तो वो सिटी में अराउंड 16 km/h दे रही थी और हाईवेज़ में अराउंड 18-19 km/h दे रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा जो एक पॉइंट है जो सुजुकी को शायद नहीं समझ में आ रहा है, सुजुकी को ये इंजन मार्केट से हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये इंजन हाल ही में आया है, एक आध साल पहले ही जब सियाज जब नई वाली लॉन्च हुई उसके साथ उस इंजन ने डेब्यू किया है इंडियन मार्केट में और अब BS6 आने पे वो हटा दी तो वो इंजन की जो शेल्फ लाइफ है इंडिया में आए हुए उसको 1 या 1.5 साल ही बस हुआ रहेगा और वो इंजन चले जाएगा। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि डीजल अर्टिगा लें तो आपको BS6 आने से पहले ही लेना चाहिए क्योंकि आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाएगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिल जाएगा और सर्विस और पार्ट्स की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी BS6 आने के बाद क्योंकि जो BS4 गाड़ियां हैं वो चलती रहेगी मार्केट में, उसका पूरा प्रॉपर सर्विस प्रॉपर पार्ट्स आपको आगे आने वाले 7-8 साल तक मिलते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। फोर्थ कार जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है टाटा हेक्सा का ऑटोमेटिक वाला वेरियंट। तो जो टाटा हेक्सा में जो इंजन आता है 2.2 वैरिक और इंजन, वो इंजन टाटा इसीलिए BS6 में कंप्लायंट नहीं बनाना चाह रही है क्योंकि टाटा हेक्सा की जो सेल्स है ऑल ओवर इंडिया में वो 200 यूनिट्स पर मंथ गिर चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं
इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी ज़्यादा केपेबल, इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार, लेकिन उसका एक महीने में सिर्फ 150 से 200 यूनिट बिक रहा है पूरे इंडिया में। आपको अभी आप सोचेंगे टाटा, तो आपके मन में सबसे पहली गाड़ी आती होगी टाटा हैरियर। हालांकि वो टाटा हैरियर फ्लैगशिप है टाटा की, पर आप एक बार हेक्सा में अंदर बैठो, हेक्सा का जो प्रीमियमनेस है, जो उसकी गाड़ी की लग्जरी है, वो टाटा हैरियर से भी, मैं बोलूँगा जो प्रीमियम फील है वो हैरियर से भी एक स्टेप ऊपर है। उसकी जो सीट्स है, उसका जो डैशबोर्ड है, उसकी जो क्वालिटी लेवल्स है, जो फिट एंड फिनिश लेवल्स है, जो रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी है, वो आप टाटा हैक्सा में एक बार बैठोगे तो ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं क्योंकि दोनों गाड़ियाँ चला चुका हूँ बहुत टाइम तक, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है मैंने, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो हैक्सा का ऑटोमेटिक है वो बंद हो जाएगा, और वो जो इंजन है वो वाला पूरा इंजन ही हट जाएगा, इसीलिए हैक्सा का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और BS6 में दूसरी सबसे मेन बात कि टाटा हैक्सा गाड़ी ही BS6 में बंद हो जाएगी। अभी जो सोर्सेस है कंपनी श्योर नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि हैक्सा की सेल्स अगर ऐसी ही रही तो वो April 1st के बाद टाटा हैक्सा को बंद कर देंगे पूरी, कम्प्लीटली वैनिश, टाटा हैक्सा गाड़ी नहीं रहेगी मार्केट में। टाटा हालांकि वो जो इंजन है 2.2 वारिकोर इंजन, वो इंजन इसीलिए बहुत अच्छा है, आपको हैक्सा इसीलिए लेनी चाहिए, क्योंकि आप सोचो वो जो इंजन है ना वो टाटा की पिकअप ट्रक्स में भी यूज़ होता है, तो आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का उसमें पावर, किस लेवल की उसमें परफॉर्मेंस रहेगी। 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क किसको बोलते हैं, कोई भी गाड़ी अपने उस सेगमेंट में 350 न्यूटन मीटर से ज़्यादा नहीं देती है। टाटा हैरियर इवन सिर्फ और सिर्फ 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जीप कंपास 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो इनोवा क्रिस्टा है जो सेगमेंट लीडर है वो 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और टाटा हैक्सा दोस्तों 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको ऑफर करती है। अपना जो उसका प्राइस रेंज है उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं, तो उससे कार का एक क्लास जो है वो ज़्यादा रिच फील होती है कार। और टाटा हैक्सा की राइड क्वालिटी दोस्तों कमेंडेबल राइड क्वालिटी, आप उसमें एक बार बैठिए, स्पेशली जो उसका कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट आता है जिसमें सेंटर रूम में दो इंडिविजुअल कैप्टन सीट्स आते हैं, आप एक बार टेस्ट राइड करके देखिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे और आप टाटा हैक्सा आपको एक बार में पसंद आ जाएगी। इस वीडियो की 5th कार है वॉक्सवैगन का आमेओ, जो कार आती है उसका डीजल वाले वेरिएंट्स। आमेओ में जो डीजल इंजन है वो वॉक्सवैगन डिसकंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वॉक्सवैगन को लगता है कि जो उसके जो सेल्स फिगर है जो आमेओ में है, और जो स्कोडा की भी जो गाड़ियाँ आती है ना डीजल वेरिएंट्स जिसमें वो सेम इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 110 PS का मैक्स हॉर्स पावर बनाता है और 250 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क बनाता है, वो वॉक्सवैगन और स्कोडा के जो लाइनअप में जितनी भी गाड़ियों में यूज़ होता है वो सारी गाड़ियों में से वो वाला डीजल इंजन हट जाएगा। वॉक्सवैगन आमेओ मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूँगा कि आप BS6 आने से पहले ले लें, क्योंकि जो उसका कॉम्बिनेशन है इंजन और ट्रांसमिशन का वो अभी मार्केट में सबसे अच्छा है, अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हैं तो जो डीजल में हो, क्योंकि उसमें जो आता है 1.5 लीटर डीजल इंजन 110 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, काफ़ी पेपी, काफ़ी रिफाइंड मोटर है, बहुत ही पंची परफॉर्मेंस है, और उस गाड़ी के हाईलाइट जो उसका कॉम्बिनेशन है गियर बॉक्स के साथ, वो गियर बॉक्स ही है, क्योंकि उसमें 7-speed DSG गियर बॉक्स आता है। DSG गियर बॉक्स एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, सीमलेस स्मूथ शिफ्ट्स करता है, आप गाड़ी चाहेंगे हाईवे में, चाहे आप क्रूज़ करें, चाहे आप एग्रेसिव स्पोर्टी मैनर में गाड़ी को राइड करें, आपकी एकदम जर्क फ्री राइड होगी। उसका गियर बॉक्स एक बहुत ही अच्छा यूनिट है, और वो अकेली आमेओ ऐसी गाड़ी है जिसमें डीजल और DSG के साथ वो वाला कॉम्बिनेशन आता है। स्कोडा और वॉक्सवैगन की कोई और गाड़ी नहीं है सब 4 meter कॉन्फ़िगरेशन में जो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफर करे। लॉन्गिविटिविटी, रिलायबिलिटी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो इंजन बहुत पहले से बना हुआ है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आते गए हैं, उसमें आपको कोई भी रिलायबिलिटी का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो 5-8 साल हैं पार्ट्स की वॉक्सवैगन ने कमिटमेंट दिया है कि पार्ट्स और सर्विसेज वो आने वाले 7-8 साल तक बिल्कुल बंद नहीं करेंगे इंडिया में और दूसरे कुछ फॉरेन मार्केट्स में। उसने ये वाले इंजन और ट्रांसमिशन का जो कॉम्बिनेशन है इसके पार्ट्स की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। जो लास्ट कार इस वीडियो में हम जिसकी बात करने चाह रहे हैं दोस्तों वो है निसान सनी। वो एक मिड साइज सेडान है, हो सकता है आपने इस कार का नाम ना सुना हो या आपको दिखी भी हो पर आप नोटिस नहीं करें हो, क्योंकि जब इनिशियली ये जब लॉन्च हुई थी उस समय इसके सेल्स फिगर्स बहुत अच्छे थे, गाड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद होंडा सिटी और वरना के फेसलिफ्ट आए,
तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और निसान सही सनी कहीं ना कहीं दब गई इंडिया में। टोटल ऑल ओवर इंडिया निसान सनी 1000 यूनिट्स के आसपास ही बिक पाई है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे उससे ज़्यादा फीचर रिच थे, और देखा जाए तो निसान सनी से डिमेंशन उनके थोड़े कम थे और ड्राइविंग डायनामिक्स निसान सनी से बेटर थे, ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग, ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी, इसीलिए निसान सनी दब गई। लेकिन आपको निसान सनी क्यों लेना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि आपको एक्स शोरूम प्राइस 8.8 लाख में एक्स शोरूम प्राइस, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन विद CVT ट्रांसमिशन कोई और गाड़ी नहीं दे सकती अपने सेगमेंट में। दूसरा, निसान सनी का जो कंफर्ट लेवल है, जो अंदर उसकी स्पेस है, वो अपने राइवल से मार्जिनली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उसकी जो रेयर सीट है वहाँ बैठेंगे, गाड़ी चौड़ी भी अच्छी है और गाड़ी का जो लेग रूम रहता है, आपकी जो फ्रंट सीट और पीछे वाली सीट के बीच में जो स्पेस रहती है, वो भी अपने कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको निसान सनी कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपका बजट करीब 10-12 लाख के आसपास है और आप चाह रहे हैं कि एक मिड साइज सेडान लूँ पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ, तो दोस्तों इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको 5 ऐसी गाड़ियां बताई है जो BS6 आने के समय में बंद हो जाएगी, पर वो गाड़ियां बहुत ज़्यादा कैपेबल है या वो गाड़ियां डिज़र्व करती है BS6 में भी भारत में होना। ये जो वीडियो था ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो सोच रहे हैं कि BS6 जब आ जाएगी तो हम BS6 वाली गाड़ी लेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि जो गाड़ी वो पसंद कर रहे हैं, जो गाड़ी उनको पसंद है, वो BS6 के समय इंडिया के मार्केट में हो ही ना। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब BS4 आया था तो जो BS3 वाली गाड़ियाँ थी उसमें जैसी सेल लगी थी, वो उस टाइप का कुछ सिनेरियो अभी भी आने वाला है। तो जब BS6 नॉर्म्स आने वाले होंगे उसके कुछ 1-2 महीने पहले तक जितने भी रिटेलर्स हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी के हो, अगर उनके पास कोई भी स्टॉक होगा कोई भी कार का, तो वो उसको स्टॉक को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, सामने वाले हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं जो गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एकदम अच्छी डील में आप एक अच्छी कार ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई गाड़ी है 20 लाख की होगी, और क्योंकि BS6 आने वाला है, तो BS6 से पहले अगर मैं चाहूँगा, मैं कंपनी का शोरूम मेरा है, मैं चाहूँगा क्लियर करूँ, तो मैं वो 20 लाख की गाड़ी चाहे जितना कम मिले पर मैं उसको बेचना चाहूँगा। तो इसीलिए जब BS6 आने वाला रहेगा तो सारे रिटेलर्स इस टाइप का कुछ एक स्कीम निकालेंगे जिससे अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स है उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो होपफुली आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऑटो फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट रोज़ लाते रहेंगे। जल्द से जल्द नई गाड़ियाँ, आपको कंपैरिजन्स चाहिए, कुछ भी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, कोई भी गाड़ी का, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमको सपोर्ट करते रहें, हम आप तक लाते रहेंगे लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट हमेशा। थैंक यू।